उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक सिपाही के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सत्ता के रौब में बीजेपी नेता ने यातायात के सिपाही के साथ इसलिए बदसलूकी की क्योंकि सिपाही गाड़ी में लगे हुटर की फोटो खींच रहा था। सिपाही के साथ केवल बदसलूकी ही नहीं की गई बल्कि बीच सड़क पर जमकर भी हंगामा किया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता सिपाही को खींचकर थाने तक ले गए, जहां कोतवाल के सामने भी बीजेपी नेता ने उसके साथ बदसलूकी की। कोतवाल के सामने सिपाही फूट फूट कर रोया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं गर्म हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों ने कहा है कि जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, उन्नाव सदर कोतवाली के गांधीनगर तिराहे पर तैनात यातायात सिपाही माधव बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान किया जा रहा था। वहीं भगवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदार और समर्थक एक चरपहिया में सवार होकर हुटर बजाते हुए गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगाए रौब में निकल रहे थे। होटल की आवाज सुनकर सिपाही फोटो खींचने लगा। बस फिर क्या था, सिपाही की गुस्सा की विधायक के रिश्तेदार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता संदीप पांडे कार से नीचे उतरे और फिर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। जी आपको बता दें, इस मामले में उन्नाव एसपी दिनेश त्रिपाठी ने सीओ सिटी को जांच के आदेश दिए हैं और एसपी के आदेश पर रंजना मिश्रा, संदीप पांडे, पंकज दीक्षित और तीन अज्ञात पर सिपाही की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी कार्य में बाधा बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।